आप जो कुछ भी यहां पर कर्म करते हैं उन कर्मों के कारण आपको दंड मिलता है, पुरस्कार और दंड दोनों उसी कारण से मिलता है। आप जो कुछ यहां पर करते हैं 13 लोग उसके साक्षी होते हैं, विटनेस उसको कहते हैं अंग्रेजी में, 13 लोग विटनेस होते हैं, 13 लोग साक्षी होते हैं और वो आपके इन कर्मों को देखते हैं। जब आप वहां पर जाते हो धर्मराज के पास तो वो आपकी गवाही देते हैं, आपके कर्मों का बखान करते हैं और पूरा का पूरा वहां पर बताया जाता है ये 13 कौन कौन से लोग हैं। यहां आप सुने, आप लोग हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये 13 लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। कौन ये 13 लोग हैं? सबसे पहले सूर्य है। आपको क्या, सूर्य तो दिन में रहते हैं, हम रात में गड़बड़ कर लेंगे? नहीं, अग्नि है, चंद्रमा है, मरुदगण है, संध्या है, दिशाएं हैं, पृथ्वी है, काल है, जल है, दिन है और रात है। ये 13 साक्षी करते हैं। इन 13 से आप कहीं बच सकते हो? पृथ्वी भी गवाही देती है, आपको आसमान में कर लेंगे तो दिन जो है गवाही देता है, रात गवाही देता है, दिशाएं गवाही देती हैं, मरुदगण गवाही देते हैं, चंद्रमा सूर्य ये सब गवाही देते हैं। इनसे आप कहां बच सकते हो? मतलब जानते हो क्या है? मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लो, ध्यान एक बात का रखना कि आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। सीसीटीवी होता है ना, यहां भी लगा हुआ है। आप कुछ भी कर लो लेकिन एक बात ध्यान रखना, लिखा होता है ना कहीं कहीं पे ऑफिसों में, बैंकों में क्या लिखा होता है, आप सीसीटीवी की नजर में हैं। ये तो आज बने सीसीटीवी, भगवान के सीसीटीवी बहुत पुराने और 13 हैं और ऐसे 13 के भी खराब ही नहीं होते, अनंत काल से चले आ रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये 13 आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं, आप पर नजर रखे रहते हैं, इसीलिए ये 13 आपकी गवाही देते हैं। इसलिए कहा है सावधानी। दंड कहां होता है? तो यहां पर यमदूतों ने बताया इसने जीवन भर पाप किया और कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, इसलिए इसको दंड देने के लिए हम यमपुरी लेकर के जा रहे हैं, नरक में लेकर के जा रहे हैं, यमलोक लेकर के जा रहे हैं। यम भगवान के गणों ने कहा कि नहीं, अब ये यमलोक नहीं जा सकता है, इसने लिया तो भगवान का नाम, अभी अभी तो लिया, नारायण लिया। अरे इसने कहा नारायण लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसे सागहरम विदुहु। भगवान का नाम कैसे भी ले लो, भगवान का नाम कल्याण करने वाला। अरे इसने अपने बेटे का नाम लिया, इसका बेटा तो अभी 15 साल का है, 15 साल से इसके बेटे का नाम नारायण इसने रखा है, और हमारे नारायण कब से हैं? यानी नारायण है तब तो इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा ना, तो नारायण के नाम से इसने नारायण का नाम, अपने बेटे के माध्यम से इसने नारायण को ही पुकारा है। नारायण का नाम कैसे भी ले लो, भाव अभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशु दसु। इसने नारायण का नाम लिया है इसलिए इसके समस्त पापों का यहां पर क्षय हो गया है, समस्त पाप इसके समाप्त हो गए। हमारे यहां शास्त्रों ने लिखा है जिस तरह से छोटा सा भी दीपक अंधकार को दूर कर देता है, एक छोटी सी भी चिंगारी बहुत बड़ी आग पैदा कर देती है, ठीक उसी तरह से छोटा सा भी धर्म, छोटा सा भी भगवान का नाम बड़े बड़े पापों को भी समाप्त कर देता है।